हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि विंटर के लिए काफ़ी इसेंशियल होंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि विंटर में हमारे पास होने ही चाहिए। विंटर में इनके बिना स्किन ड्राई ड्राई डैमेज हो जाती है, डल हो जाती है। तो हमें अपने स्किन केयर के लिए, बॉडी केयर के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स विंटर में रखना चाहिए जिससे हमारी स्किन डल ड्राई ना हो, स्किन वेल मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रहे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बॉडी के लिए है, बॉडी वॉश। बॉडी वॉश स्पेशली विंटर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये स्किन को डीपली नरिश करके रखती है। सोप की जगह अगर आप विंटर में बॉडी वॉश यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगी। और स्पेशली ये एम कैफेन की बॉडी वॉश अमेजिंग वर्क करती है विंटर में, क्योंकि विंटर में स्किन काफ़ी ड्राई डैमेज हो जाती है। तो ये बॉडी वॉश स्किन को बिल्कुल रिपेयर करने में हेल्प करती है। स्किन को ये मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ, सपल हो जाती है। तो अब नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी विंटर में हमारे पास होने ही चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ये बायो ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है और ये बिल्कुल प्योर है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल एडेड नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है हमारी स्किन के लिए। तो हमें ऐसा ही कुछ कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल प्योर हो। कोकोनट ऑयल काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेज में वर्क करती है हमारी स्किन पे, हमारे बॉडी पे। आप इसे अपने हेयर को मसाज के लिए या फेस पे मसाजिंग के लिए या इसे एज बॉडी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। विंटर में ये काफ़ी तरह से ये हेल्प करता है और ये इफ़ेक्टिवली वर्क करता है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। और आप चाहे तो कोई और ब्रांड की भी कोकोनट यूज़ कर सकते हैं, जैसे पैरासूट भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ये ओल्ड ब्रांड है कोकोनट ऑयल की और ये भी 100% प्योर है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से ये वर्क करती है हमारे स्किन पे, हेयर पे, सभी ही जगह। और अगर आप कोकोनट यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है विंटर में। ड्राई रफ स्किन को ये रिपेयर करता है, स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करके स्किन को नरिशमेंट और मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑलिव ऑयल भी काफ़ी अच्छा है विंटर के लिए और ये काफ़ी टाइम तक हमारे बॉडी पे, स्किन पे स्टे भी करता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। तो अब नेक्स्ट मस्ट हैव प्रोडक्ट है बॉडी बटर। बॉडी बटर कोई भी बॉडी लोशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करता है हमारे स्किन पे, स्पेशली विंटर के लिए। तो ये बॉडी बटर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम तक ये हमारे स्किन पे स्टे करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है, स्किन को नरिश करता है। 7 to 8 आवर्स तक ये हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। उसके बाद ही आपको फिर रीअप्लाई करने की नीड होती है। तो आप ये वाओ वाओ की ये बॉडी बटर यूज़ कर सकते हैं, ये इफ़ेक्टिवली हमारे स्किन पे वर्क करती है। इसमें सिया बटर जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं जो कि स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ, सपल बनाने में हेल्प करती है। तो अब नेक्स्ट मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो कि विंटर के लिए काफ़ी अच्छे से ये वर्क करेगी, वो है बोरोलिन। मुझे पर्सनली ये बोरोलिन काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी फ्रेग्रेंस तो अच्छी नहीं है बट इसकी इफ़ेक्ट और रिजल्ट अमेजिंग है। ये इंस्टेंट हमारे स्किन पे वर्क करती है, ड्राई चैप्ड स्किन को ये रिपेयर करने में हेल्प करती है। लिप्स को ये ओवरनाइट अप्लाई करने से काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लिप्स को सॉफ्ट, स्मूथ, सपल बना देता है।
और ओवरनाइट ये रिपेयर करने में हेल्प करता है। साथ ही ये क्रैक फूड पे भी वर्क करता है। ये बोरोलिन को आप काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के लिए, लिप्स के लिए, बॉडी के लिए, क्रैक फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिवली ये वर्क करती है। नेक्स्ट विंटर इंसेंशियल प्रोडक्ट है लिप बाम, जो कि ये इमामी वैसो केयर की है। ये लिप बाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें टिंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास ऐसा कोई लिप बाम होना चाहिए जो कि लिप्स को ऑल टाइम मॉइस्चराइज करके रखे। तो ये इमामी की वैसो केयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ये लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखती है और इसमें कोई टिंट नहीं है, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी। और आपके पास टिंटेड लिप बाम भी होनी चाहिए। तो ये मेरे पास मेबेलिन की ये बेबी लिप्स है, ये लिप बाम काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। इसकी काफ़ी अच्छी टिंट आती है लिप्स पे, काफ़ी अच्छा दिखता है और साथ ही ये लिप्स को मॉइस्चराइज भी करने में हेल्प करता है और काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लिप ग्लॉस भी होनी चाहिए। विंटर में काफ़ी अच्छा ये लिप ग्लॉस इफेक्ट देता है लिप्स पे। इसे लिप्स पे अप्लाई करने से लिप्स ग्लॉसी दिखती है, शाइनी इफेक्ट आती है। साथ ही ये लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करने में हेल्प करता है। तो ये लिप ग्लॉस भी आपके पास ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स विंटर के लिए मस्ट हैव है। अगर आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स विंटर में रहेंगे तो आपकी स्किन और भी अच्छे से मेंटेन रहेगी, कोई भी ड्राइनेस रफनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।